हेलो गाइस, दिस इज़ वंदेला। वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन क्या होता है? डिजिटाइजेशन के लिए आपको सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन की मेरे जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको क्वांटाइजेशन एंड सैम्पलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो डिजिटाइजेशन के वीडियो देखने से पहले आप ज़रूर सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको डिजिटाइजेशन आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो डिजिटाइजेशन के लिए मेन दो तरह की चीज़ ज़रूरत है। क्या है? सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन। ओके, दो तरह की चीज़ ज़रूरत होता है। ये जो है ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, आप जानते होगा, आप जानते हैं ये जो है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। और ये क्या है? ये डिस्क्रीट सैंपल सिग्नल। ओके, ये जो है ये डिस्क्रीट सैंपल सिग्नल और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अच्छा, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हमने सैंपल लिया, यहाँ पर सैंपल लिया, और सैंपल लेकर इसको क्वांटाइज सिग्नल में क्वांटाइज किया। ओके, सैंपल लेकर वो सैंपल पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मतलब उसका क्वांटाइजेशन हो गया, और क्वांटाइजेशन के होने के बाद हमारा जो डिस्क्रीट सैंपल सिग्नल है वो हमको मिल जाता है। यही है डिजिटाइजेशन। ओके, तो डिजिटाइजेशन की ज़रूरत क्या है, इस प्रोसेस को डिजिटाइजेशन बोलते हैं। इस तक क्लियर हुआ ना आपको? तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत क्या है? डिजिटाइजेशन प्रोसेस हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है? डिजिटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ये जो है ये एक एनालॉग सिग्नल है और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। ये जो है ये एनालॉग सिग्नल है, इसको अगर मैं डिजिटल सिग्नल में, ये जो है डिजिटल सिग्नल है, इसका डिजिटल सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल को अगर डिजिटल सिग्नल में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा। अगर मैं, और आप ये भी बोल सकते हो कि एक डिजिटल सिग्नल को अगर आप एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको डिजिटाइजेशन प्रोसेस की ज़रूरत है। तो फर्स्ट चीज़ जो है वो क्या है कि डिजिटाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन बिटवीन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। ओके, और डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना? तो इस तरह से जो एनालॉग सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन भी डिजिटाइज हो जाता है, क्योंकि एक एनालॉग सिग्नल में जो जो भी इंफॉर्मेशन होता है, अगर उस एनालॉग सिग्नल को मैं डिजिटाइज करना चाहती हूँ तो इसका जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भी डिजिटाइज हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं कन्वर्ट कर रही हूँ ना, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो डेटा है वो भी कन्वर्ट होके डिजिटाइज हो जाता है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन जो डिजिटाइज होते हैं वो ऐसे डिजिटाइज होते हैं कि ताकि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको समझ सके, ठीक है? तो ये चीज़ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी फॉर्म इन टू द डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी कन्वर्ट हो जाता है सिग्नल से साथ, और ऐसे कन्वर्ट होता है वो इंफॉर्मेशन जो कन्वर्ट हो जाता है वो कंप्यूटर समझ सकते हैं, दैट इज अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन मतलब इस सिग्नल में जो जो इंफॉर्मेशन है, जो जो डेटा है, इस सिग्नल में इस सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन में टेक्स्ट भी हो सकता है, साउंड, वीडियोस,
ये सब भी हो सकते हैं, और ये टेक्स्ट इमेज वीडियोस भी कन्वर्ट होके डिजिटाइज हो जाते हैं। और ये कैसे कैसे डिजिटाइज होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट होते हैं ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी कोड के बिना कुछ भी इसको समझ में नहीं आता। कंप्यूटर सिर्फ जानते हैं कि जीरो और वन, बाइनरी कोड से सब पहचानते हैं। तो इसीलिए जो जो भी इस सिग्नल में जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले कन्वर्ट होके बाइनरी में कन्वर्ट होना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके, है ना। तो तब वो डिजिटाइज हो जाते हैं। बाइनरी, अगर बाइनरी में वो सब आ गए तो वो सारी डिजिटाइज हो गया, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्शन बिटवीन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, ओके। तो आप ये भी बोल सकते हो कि द टर्म इज यूज व्हेन कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन, द टर्म इज यूज व्हेन कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज और वॉइसेस, साउंड्स इनटू बाइनरी कोड, ओके। तो ये सब डिजिटाइजेशन प्रोसेस के बिना कुछ ये सब नहीं हो सकता था। डिजिटाइजेशन के बाई यूजिंग द डिजिटाइजेशन हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। एक हम डिजिटाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि डिजिटाइज जो इंफॉर्मेशन होता है वो ईजियर टू स्टोर, एक्सेस एंड ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो हम डिजिटाइज क्यों करते हैं, क्योंकि डिजिटाइज जो इंफॉर्मेशन होती है, डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन आर इजियर टू स्टोर, एक्सेस एंड स्टोरिंग स्टोरिंग तो लिखा है मैंने, एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इजियर टू स्टोर, एक्सेस एंड ट्रांसमिट, ओके। एंड डिजिटाइजेशन जो यूज़ होता है, डिजिटाइजेशन कौन यूज़ करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व जो है, डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व कहाँ पर हो सकते हैं, डिजिटाइजेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये डिजिटाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व कहाँ पर हो सकता है, ये इन्वॉल्व होता है फॉर कैप टू कैप्चरिंग द एनालॉग सिग्नल, इन्वॉल्व टू कैप्चरिंग एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को कैप्चर करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में, एंड the result is stored into a digital form, okay। तो डिजिटाइजेशन एनालॉग सिग्नल को कैप्चर कर देता है एंड कैप्चर करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देता है। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, मान लीजिए कि सेंसर कैसे सेंस करते हैं, लाइट से सेंस करते हैं, साउंड से सेंस करते हैं, है ना, टचिंग से सेंसर सेंस करते हैं, हाँ। तो एक सेंसर एक एनालॉग सिग्नल को सेंस करते हैं, लाइक एनालॉग सिग्नल को सेंस मतलब लाइट एक एनालॉग सिग्नल है, साउंड भी एक एनालॉग सिग्नल है। तो लाइट साउंड जैसा कुछ भी एनालॉग सिग्नल को ये सेंस कर देता है सेंसर, सेंस करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं उसकी इक्विवेलेंट डिजिटल फॉर्म में, ओके। तो
ये एक बहुत अच्छी तरह की एग्जांपल है कि एक सेंसर कैसे सेंस करता है. एक सेंसर एक एनालॉग सिग्नल को सेंस करते हैं, लाइक साउंड, लाइट. लाइट जैसे एनालॉग सिग्नल को सेंस करके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और डिजिटल फॉर्म में इसको स्टोर कर देता है. ठीक है, ये एक एग्जांपल है. तो सेंसर एग्जांपल, सेंसर. ओके, तो एक सेंसर क्या करता है, सेंसर एक एनालॉग सिग्नल लाइट और साउंड जैसा एक एनालॉग सिग्नल को सेंस करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एंड स्टोर कर देता है डिजिटली. ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है एक स्कैनर. स्कैनर क्या करता है, स्कैनर एक इमेज को स्कैन कर देता है एंड कन्वर्ट द इमेज इन टू द इमेज फाइल. ओके, तो सेकेंड वाली चीज़ क्या होती है, स्कैनर. स्कैनर क्या करता है, इमेज को स्कैन करते हैं. ठीक है, इमेज को स्कैन करके उसको इमेज फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं. हाँ, मतलब कि स्टोर कर देता है. और इमेज फाइल में जब भी स्टोर होता है वो डिजिटली होता है, कंप्यूटर को उसको समझ में आता है ना. तो सेकेंड चीज वाली चीज़ जो है वो है स्कैनर. तो ये रहा बहुत अच्छी तरह की एग्जांपल्स. सेंसर क्या करता है, मैं और एक बार रिपीट कर देती हूँ. सेंसर एक एनालॉग सिग्नल को कैप्चर कर देता है, सेंस करता है. एनालॉग सिग्नल मतलब लाइट साउंड जैसा एनालॉग सिग्नल को ये सेंस करता है और सेंस करने के बाद उसको ट्रांसमिट कर देता है एंड डिजिटली उसको उसका जो रिजल्ट आता है वो डिजिटली स्टोर होता है जिसको कंप्यूटर समझ सके. और सिमिलरली स्कैनर क्या करता है, ये इमेज को स्कैन कर देता है, स्कैन करने के बाद उसको इमेज फाइल में कन्वर्ट कर देता है और इमेज फाइल में वो स्टोर रहता है. तो अगर इमेज फाइल में स्टोर रहता है मतलब इमेज को कैप्चर करके इमेज फाइल में कन्वर्ट कर देता है. इसका मतलब एक एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटली ट्रांसमिट हो रहा है. ठीक है, तो ये रहा दोनों अच्छी अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको डिजिटाइजेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे अगर डिजिटाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीमीडिया में, हर बार आता है कि डिजिटाइजेशन क्या है. तो डिजिटाइजेशन अगर आता है तो एग्ज़ाम में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है आपका पेपर ताकि आपको अच्छी मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको मेरी नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में है. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो. एंड थैंक यू सो मच.